two very important topics that is subject verb agreement and modifiers. so आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं very very important topics of parallelism and nouns, pronouns, verbs and tenses. theek hai and is pe karenge dher सारे practice questions. उ प्लीज पे अटेंशन एंड रिमेंबर ग्रामर बहुत ईजी कंपोनेंट है मेजर कंपोनेट है इट कम्स इन एग्जाम्स लाइक स्नैप एंड मैट एंड जैट एंड ऑफ अदर ओमेट एज वेल ठीक है तो ग्रामर में जय माता दी बोलने से बेटर है ऊपर नीचे देखने से बेटर है रूल्स पढ़ लो मेरे शॉर्टकट्स याद रख लो एंड यू विल बी शॉर्टेड दैट इज माई प्रॉमिस चलिए बिफोर वी गेट स्टार्टेड लेटमी क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मेरा नाम है अमित रोहरा सर आई एम योर वी ए आर सी एक्सपर्ट राइट हेयर ऑन दिस चैनल मेरे पास है इतना एक्सपीरियंस इन टीचिंग ट्रेनिंग फॉर ऑल दीज एंट्रेंस एग्जाम्स दैट इज बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल इसके अलावा हमने बहुत सारे कॉल गेटर्स को हेल्प किया है इन कन्वर्टिंग दर बी स्कूल्स ऑफ दर चॉइस Not only that, I'm also a visiting faculty जहाँ पे I teach MBA at different different B schools offering national and international MBA and finally my personal favorite is I like to call myself a rockstar creator और आप हो आपको अमृत सर के प्यारे प्यारे रॉक स्टार्स चलिए ओके तो अभी ये लग बहुत ज्यादा रहा है कॉन्टेंट बिल्कुल डरना नहीं है थोड़ा ध्यान देकर पढ़ो इसका पीडीएफ आ जाएगा टेंशन मत लो ठीक है चलिए शुरू करते हैं तो पैरलिज्म की अगर बात करते हैं इट इज अंपल थिंग ऑफ समथिंग कॉल्ड एज बैलेंस ठीक है एक सेंटेंस में पूरे सेंटेंस में ना टोटल बैलेंस होना चाहिए बोथ ऑफ देम आर नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स फ्रेजेस एंड क्लॉजेस फ्रेजेज ऑन इट्स ओन मेक एनी सेंस क्लॉजेस अगर बात करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज जो अपने आप में एक सेंटेंस बन सकता है और डिपेंडेंट क्लॉज जो इंडिपेंडेंट पर डिपेंडेंट रहता है बस बस दिस इज मोर देन इनफ़ ठीक है सो बैलेंस बैलेंस तब बनता है जब यू रिपीट इट इन द सेम फॉर्मेट यू हैव द सेम फॉर्म एंड द सेम स्ट्रक्चर तो क्या है पैरेललिज्म में एक सेंटेंस में द होल सेंटेंस शुड बी इन अ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है रीजन बिहाइंड यूजिंग द सेम इज दैट ऑल एलिमेंट्स कैरी इक्वल इंपॉर्टेंस तो ये जो एलिमेंट्स एलिमेंट्स है वर्ड है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि सारे वर्ब्स ठीक है देयर कुड बी सारे के सारे नाउंस ठीक है देयर कुड बी आर्टिकल्स और प्रीपोजिशंस ये सारे के सारे सेम फॉर्मेट में होना चाहिए मतलब अगर एक जगह पे द लगा है तो सब जगह पे दर, दर, दर लगना चाहिए अगर एक जगह पे वर्ब आई एन जी फॉर्मेट में है जैसे स्विमिंग तो सारे जगह पे आई एन जी फॉर्मेट में ही होना चाहिए स्विमिंग ईटिंग कमिंग गोइंग ऑल ऑफ दैट तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है एज रूल्स ऑफ दैट ठीक है चलिए तो थोड़े रूल्स पढ़ लेते हैं एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड रूल नंबर वन हेज हंड्रेड परसेंट जब भी आप अलग अलग आइटम्स को लिस्ट कर रहे हो इन अ सेंटेंस आइटम्स मतलब कॉमा 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 डाल के ऑल ऑफ देम हैव द सेम फॉर्म फॉर्म मतलब क्या फॉर्म मतलब ये अगर वर्ब में आईएनजी फॉर्म है तो फिर सब में आईएनजी फॉर्म होना चाहिए अगर वर्ब में टू फॉर्म है टू ईट सब में टू फॉर्म होना चाहिए यू हैव टू डिसाइड रूल नंबर टू इज वेन अगर आप पॉइंट्स लिख रहे हो पॉइंट्स मतलब एक के बाद एक के बाद एक कीप दर स्ट्रक्चर्स कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट आल्सो मींस द सेम थिंग जहां पे वो सबका फॉर्मेट सेम रहेगा वेयर सेम रहेगा स्ट्रक्चर सेम रहेगा रूल नंबर थ्री है जब सीरीज ऑफ एक्शंस है बहुत मजेदार है सीरीज ऑफ एक्शंस मतलब फर्स्ट कमिंग होम देन गोइंग टू ईट देन सिटिंग टू स्टडी आप देख रहे हो कमिंग गोइंग सिटिंग कैसे सेम है ठीक है इंश्योर ऑल ऑफ देम रिटर्न इन द सेम वर्ब फॉर्म्स इसमें याद है अगर दो से ज्यादा फ्रेजेस और क्लॉजेस एक्सप्रेसिंग सिमिलर और कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज आई यूज शुड फॉलो द सेम फॉर्मैट वापिस सिमिलर चीज ये पैरलिज्म में आपको हमेशा ये पता लग जाएगा

तो पैरल स्ट्रक्चर जो है सर इसको यूज कब करते हैं कैसे करते हैं और क्यों करते हैं लेट्स फाइंड दैट आउट ठीक है तो बेटा वेन टू यूज पैरलिजम इज वेरी क्रूशियल। सो पॉइंट नंबर ए इज़ जब भी आप कनेक्ट कर रहे हो दो से ज्यादा फ्रेजेस और क्लॉजेस यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अभी ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है सर सबसे आसान तरीका याद करने का अमित सर का शॉर्टकट है ये याद रख लो कॉल्ड एज फैन बॉयज ओहो सर ये क्या लिख रही है आपने फैन बॉयज सुन लेते हैं बहुत आसान है दिस बेसिकली मीन्स फॉर एंड नॉर बट और येट और सो खत्म कहानी तो जो भी सेंटेंस में आप दो पार्ट्स दो को जोड़ोगे यूजिंग एनी ऑफ दीज क्या फैन बॉयज कौन से फॉर एंड नॉर बट समझे तो देन यू विल हैव टू यूज स्ट्रक्चर ठीक है जैसे कि अभी देखो एग्जांपल दिया है आई एम प्लानिंग टू विजिट माय फ्रेंड्स इन मुंबई आई एम आई एम प्लानिंग टू विजिट माई फ्रेंड्स इन मुंबई ये पार्ट वन हुआ एंड एंड इज नथिंग बट फैन बॉयज स्पेंड ठीक है टाइम विद माई रिलेटिव इन पुणे ठीक है सो मतलब मैं ये भी प्लान कर रहा हूं एंड ये भी प्लान कर रहा हूं सो पीपल लुक एट द सेंटेंस का स्ट्रक्चर आई आई एम एम प्लानिंग प्लानिंग टू टू ठीक है बेसिकली एक कॉमन पार्ट हो गया बाहर हो गया अभी क्या क्या पार्ट है विजिट माई फ्रेंड्स इन मुंबई एंड स्पेंड द टाइम क्या विद माई रिलेटिव इन पुणे दिस इज पैरल स्ट्रक्चर ठीक है क्योंकि आपने प्लानिंग टू क्या बोला विजिट एंड स्पेंड That is perfectly okay. so, अगर आप ध्यान देते हो तो यहाँ पे विजिट का स्ट्रक्चर और स्पेंड का स्ट्रक्चर सेम है प्रेजेंट फॉर्म बस खत्म कहानी ठीक है चलो सेकेंड वेन यू आर यूजिंग कोरिलेटिव कंजंक्शन अभी देखो सर आप कंजंक्शन की क्लास ले लो कि पैरलोलिज्म की बहुत आसान है डोंट वेरी तो जहां पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब फैन बॉयस वहीं पे कोर रिलेटिव बेटा रिलेटिव को ऐसे याद रख लो रिलेटिव हमेशा जोड़ों में आते हैं देखो अंकल आंटी ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर है ना सो कोर रिलेटिव कंजंक्शन मतलब दो टाइप आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो ऐसे याद रख लो ठीक है सो जब भी कोर रिलेटिव कंजंक्शन होंगे ठीक है देन यू हैव टू यूज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल आइदर यू कैन फिनिश योर होमवर्क नाउ दिस इज पार्ट वन आईदर यू कैन फिनिश योर होमवर्क नाउ और आईदर और पार्ट टू यू कैन देखो बेटा कैन और कैन भी सेम है यू कैन प्ले वीडियो गेम्स लेटर आहा हा क्या बात है कितना प्यारा पैरलिज्म का सेंटेंस है तो इसमें आप देख रहे हो आईदर और भी यूज हुआ है लुक एट द लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस यू कैन वर्ब न वर्ब एंड वो वर्ब का फॉर्मेट भी सेम टू सेम है ठीक है अच्छा हेलो होमवर्क नाव एंड वीडियो गेम्स लेटर सॉप टू सॉप एकदम सेम है दैट्स पैरलिज्मीक है भले ही सेंटेंस लंबा हो जाए लेकिन सेम फॉर्मेट में रहेगा सेम स्ट्रक्चर में रहेगा चलिए अच्छा फाइनली जब आप कंपेयर करते हो तो अभी तक दो रूल्स क्या बने थे पहले जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा आपको समझ में आ जाएगा को रिलेटिव कंजंक्शन आएगा ठीक है एंड कंपेयर कर रहे हो यूजिंग दीज वर्ड्स मैंने आप एक वर्ड्स दे दिए मैं उसको हाईलाइट कर लेता हूं आपके लिए प्लीज रिमेंबर दैन एज ठीक है फॉर अच्छा तो पीपल अभी लेट्स रीड दिस सो आई फाइंड रीडिंग बुक्स मोर रिलैक्सिंग दैन वॉचिंग ठीक है सो so, रीडिंग मोर रिलैक्सिंग वॉचिंग प्लीज रिमेंबर यह सेंटेंस में गलत क्या हो सकता है अगर आपने बोला आई लाइक टू रीड बुक्स अगर आपने ऐसे बोला आई लाइक रीडिंग ऐसा नहीं बोल सकते ठीक है पीपल दैट इज रॉन्ग तो आई आई फाइंड रीडिंग मोर रिलैक्सिंग दैन वॉचिंग सेम फॉरमैट पे एंड फाइनली जब भी हम कंपेयर और लिस्ट मल्टीपल चीजें कर रहे हो इन अटेंस तो लेट्स रीड द सेंटेंस लास्ट वाला पैंडेमिक बिगेन अभी देखो वर्किंग फ्रॉम होम अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेसम्यू नॉर्मल सो वापिस से आई एनजी जी फॉर्मैट में वर्ब है सिंपल है सेंटेंस इज द सेम एज सेकंड पार्ट इज द सेम एज अ थर्ड पार्ट एंड इसके लिए आपको ऑप्शन आएंगे बिल्कुल स्ट्रेस लेना नहीं है एंजॉय करो सुपर ऑसम टॉपिक है ठीक है चलो अभी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ खाली एग्जाम्पल्स बहुत ज्ञान दे दिया अमित सर ने पटर पटर एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं ठीक है देखा? तो लेट्स काइंड ऑफ सी फॉर ब्रेकफास्ट आई एंजॉयड तो देखो इसमें ये सारे के सारे इसको लिस्ट बोलते हैं ये लिस्ट में अगर देख रहे हो सबके सब सेम है यू कैन नॉट से फॉर ब्रेकफास्ट आई एंजॉयड ईटिंग क्रैम्बल एग्स टोस्टेड ब्रेड एंड सिपिंग कॉफी ऐसा मत करो क्योंकि आप ईटिंग सिपिंग इंसर्ट क्यों कर रहे हो और अगर आपने ईटिंग लगाया फिर आपको सिपिंग भी लगाना पड़ेगा इससे ज्यादा अच्छा मत लगाओ तो इट शुड बी सेम फॉर्मेट में ठीक है नेक्स्ट ऑन हर बर्थडे जॉन गिफ्टेड मैरी ठीक है ऑन हर बर्थडे जॉन गिफ्टेड मैरी क्या क्या अ बुके ऑफ रोजेज अ देखो अ बुके ऑफ रोजेज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट एंड अ हार्ट फेल्ट लेटर अब इसमें रॉन्ग क्या हो सकता है आपके एग्जाम में कैसे आएगा जहां पे आपको करेक्ट करना पड़ेगा ऑन हर बर्थडे जॉन गिफ्टेड मेरी अ बुके ऑफ रोजेस अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट एंड अटर विच वॉज हार्ट फेल्ट गलत क्योंकि जहां पर आपने ये फॉर्मैट लगाया है प्लस ऑब्जेक्ट मतलब अ प्लस हार्टफेल्ट लेटर यू कैनॉट सेल्ट गलत है क्योंकि आप एक एलिमेंट को एक्स्ट्रा भाव नहीं दे सकते हो दैट्स पैरलिज्मीक है चलो टूडे I did today I did yoga in the morning and read a book in the evening. तो so, देखो in the morning in the evening भी हो गया अच्छा uh, क्या uh, did yoga and read दोनों के दोनों past tense हैं बेटा ये याद रखना read नहीं है ये read है read दोनों same ही है spelling भी same है लेकिन read present tense है read past tense है so did के साथ read perfect चलो आगे बढ़ते हैं Lisa enjoys Lisa enjoys क्या क्या baking cookies ड्यूल रिव्यू योर डेली लेसन एंड मॉनिटर योर प्रोग्रेस रेगुलरली सुनो सुनो इसमें देखो कितना प्यारा है ठीक है पहली बात तो कॉमन चीज को बाहर निकालो टू अचीव हाई ग्रेड इट इज एसेंशियल टू ये टू बाहर निकल गया अभी क्या क्या है मेक मतलब टेंस है make, review, monitor. तो मैं ये सारे verbs को आपके लिए बेटा अभी इसमें अगर एक भी वर्ब को ing format में डालते गलत होता. ठीक है? अगर आप अचानक कर देते गलत होता क्योंकि आपको हर जगह इंसर्ट करना पड़ेगा ठीक है सो यू नॉट से मेकिंग स्टडी स्केड्यूल रिव्यूइंग एंड टू मॉनिटर गलत है या तो तीनों को सेम फॉर्मेट में डालो या चेंज करो ठीक है चलो फॉर माई रिसर्च प्रोजेक्ट आई नीड टू ठीक है प्रिपेयर अ सर्वे इंटरव्यू फिफ्टी पार्टिसिपेंट कंडक्ट ग्रुप एंड एनालाइज तो वापस क्या क्या है ठीक है प्रिपेयर ठीक है कंडक्ट एंड एनालाइज देख रहे हो कैसे सेम फॉर्मेट में सब कुछ दिया है एंड नाउ आर यू रियलाइजिंग पैरलिज्म मतलब लंबे 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 सेंटेंसेज क्लॉस 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 फ्रेज 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 कॉमा 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 दैट्स ऑल इतना आसान है पैरलिज्म हो गया टॉपिक ठीक है? So now hang in there. अभी examples आने वाले हैं जो आपको सोल्व करके मेरे को बताना है तब तक आगे बढ़ते हैं अभी ना मैंने क्या डिसाइड किया हम लोगों ने काफी मेजर मेजर टॉपिक्स कर लिए हैं लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बताया था एंड मॉडिफायर्स बताया था आज मैं आपको बता रहा हूँ पैरेललिज्म एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच के छोटे छोटे तो थोड़े देख लेते हैं बेटा नाउंस के केस में देखो प्लीज याद रखना ठीक है सुन लो नाउंस क्या होते हैं सब्जेक्ट सॉरी नेम प्लेस एनिमल थिंग ऑब्जेक्ट ठीक है तो so अगर ये सेंटेंस है ही रैन एन अमेजिंग Ten miles race and back the trophy. ठीक है तो so, बेटा पे ना यार प्लीज रखना वो वो में miles race नहीं आएगा ten mile रहेगा, वो भी के साथ ये छोटी छोटी बातें सेंटेंस करेक्शन में आएगी एंड आप पकड़े जाओगे ठीक है सो so, प्लीज रिमेंबर कंपाउंड नाउन जहां पे, जहां पे भी आप कंपाउंड नाउन मतलब राइस एंड करी बेड एंड ब्रेकफास्ट ब्रेड एंड बटर ये सब सिंगुलर गिने जाते हैं इसीलिए एन वर्ड आया है एन मतलब एक तो टेन माइल्स कैसे होगा एंड वैसे भी रूल है कि जब भी देर इज डिस्टेंस वेनेवर एवर देर इज मनी ठीक है इज वेट और देर इज मेजरमेंट प्लीज रिमेंबर ये सारे के सारे सिंगुलर वर्ब लेंगे ठीक है तो जैसे कि टेन के जीज इज अवी वेट टू लिफ्ट ठीक है मनी तो वन मिलियन डॉलर इज अमाउंट ठीक है तो ये प्लीज याद रखता दिस इज वॉट इट इज चलिए अच्छा अब ये बहुत awesome है बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बाय हार्ट करना है आई होप टेबल क्लियरली विजिबल है अगर नहीं है तो पीडीएफ में आ जाएगा इसको प्लीज पढ़ लेना तो प्रोनाउंस के केस में ये टेबल अमित सर बोलेंगे मास्टर टेबल है इसको बाइहार्ट कर लो बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है तो प्रोनाउन में ना हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं सो वेन टू यूज आई वेन टू यूज यू नो मी आई और मी वेन टू यूज ही और हिम तो ये याद रख लो बेटा जब भी प्रोनाउन सब्जेक्ट केस में आएगा ठीक है तो ये सारे प्रोनाउन्स यूज होंगे आई यू ही शी इट वी यू दे हेलो 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 सब्जेक्ट केस क्या होता है सर पहले ये तो बता दो बेटा सब्जेक्ट केस मतलब जब वो प्रोनाउन एक्शन कर रहा है वो प्रोनाउन इज द मेन पार्ट वो प्रोनाउन के बारे में सेंटेंस बोल रहा है तो ये प्रोनाउन यूज, यूज होंगे बाय हार्ट बेटा मैं बाय हार्ट बोल रहा हूं मतलब इंपॉर्टेंट है अगर वो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट केस में आएगा तो ये सारे के सारे यूज होंगे आई की जगह मी हो जाएगा यू का यू ही रहेगा सॉर्टेड है ठीक है ही का हिम हो जाएगा शी का हर होगा इट का इट ही रहेगा वी का अस हो जाएगा ठीक है एंड फाइनली बेटा अगर पोजेसिव केस पोजेसिव मतलब बिलोंगिंग अगर सिंगुलर है या प्लूरल है तो माई का माइन हो जाएगा योर का योर्स हो जाएगा हिज हिज सेम हर का हर्स हो जाएगा इट्स इट्स सेम ठीक है इट्स इट्स मैं सर्किल कर रहा हूं प्लीज रिमेंबर बेटा इट इज रिमेंटाजी अगर आई टी एपोस्ट्रफी एस किया तो इट इज हो जाता है इट इज ये बोलना मत ठीक है योर का योर्स हो जाएगा एंड दियार का दियार्स हो जाएगा अब ये टेबल को पढ़ना कैसे सर हमें कुछ भी नहीं समझा आई नो आई नो आई फील यू तो लेट अमित सर गिव एन एग्जाम्पल अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूं कि दीज बुक्स आर फॉर यू एंड डैश दीज बुक्स आर फॉर यू एंड डैश इसमें से क्या और फर्स्ट पर्सन यूज करना है फर्स्ट पर्सन मतलब कि आपको यूज करना है ये वाले पार्ट से ये वाले पार्ट से तो अभी आई यूज करोगे कि मी जाओ लिखो लाइफ चैट में इसी वक्त आई यूज करोगे कि मी दीज बुक्स आर फॉर यू एंड डैश तो यू एंड आई और यू एंड मी Uh, कैसे कंफ्यूज हो गए ना सर दोनों कभी देखो वापस से सर जय माता दी सर अच्छा तो लग रहा है सर यू एंड आई सर यू एंड मी अमित सर का झाड़ू आएगा तुम्हारे सर पे कुछ भी बोल रहे हो ठीक है तो क्या हाउ टू आइडेंटिफाई लुक एट द सब्जेक्ट केस लुक एट द ऑब्जेक्ट केस टीज बुक्स के बारे में बात हो रही है सो बुक्स इज द सब्जेक्ट आर फॉर यू एंड डैश तो मतलब वो जो यू एंड डैश पार्ट है वो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में आपको बोला है फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन इज मी दीज बुक्स आर फॉर यू एंड मी नॉट यू एंड आई कैसे पता चला क्योंकि ऑब्जेक्ट केस था बस ये डिटरमाइन करना समझ लो और सीख लो ठीक है वो सब्जेक्ट केस में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट केस में एंड ये टेबल बाई हार्ट कर लो सॉर्टेड लाइफ तो इधर देखो हाउ कुड शी ब्लेम यू एंड ही फॉर द एक्सीडेंट ठीक है वापिस टेबल का इसमें यूज हुआ है सो हाउ कुड अच्छा अभी शी ब्लेम ठीक है सो बेटा यहां पर यह हो गया आपका सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट के हिसाब से तो शी यूज होता है अरेवा अभी यू एंड ही तो यू एंड ही हो गया आपका ऑब्जेक्ट क्योंकि इन पे ब्लेम हो रहा है तो बेटा यू एंड ही ऑब्जेक्ट में देखो ऑब्जेक्ट में यू भी यूज होता है ऑब्जेक्ट में तो हिम यूज होता है सर तो करेक्ट आंसर इज यू एंड हिम दैट्स ऑल ये बहुत कॉमन एरर है दिस इज अ फेवरेट ऑफ जैट एंड स्नैप प्लीज रिमेंबर सो रिमेंबर ठीक है सो ऑब्जेक्ट फॉर्म के हिसाब से इसको प्लीज बाय हार्ट कर लो ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट रूल है यार चलो देन पीपल एंड के छोटे छोटे रूल्स है बहुत easy -easy है है ठीक दे प्लेड रियल गुड ठीक है सो बेटा ऐसे नहीं करेगा बिकॉज दे प्लेड रियल गुड ये क्या जूस है क्या जूस पी रहे हो क्या दे प्लेड रियल गुड जूस दे प्लेड रियली वेल ठीक है क्योंकि बेटा गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है लेकिन ना तो यहाँ पे एडवर्ब लगेगा बिकॉज प्लेइंग का डिस्क्रिप्शन हो रहा है तो प्लेइंग इज योर वर्ब ठीक है सो दैट मीन्स यू विल नीड समथिंग विच इज एक्शन ओरिएंटेड ठीक है सो दे प्लेड रियली वेल अभी सुनो आपको ये एग्जाम में स्ट्राइक होने की जरूरत नहीं है सो मुझे कैसे पता मैं वेल लगाऊ कि ये अरे बेटा टेंशन मत लो ऑप्शन दिए जाएंगे ना आपको ऑप्शन में सेलेक्ट करना है सो कीप दिस इन माइंड ठीक है चलिए वर्ब टेंसेस की बात करते हैं अच्छा पीपल वर्ब टेंसेस का मैंने पूरा का पूरा फुल लेंथ वीडियो कवर कर लिया है ऑन दिस चैनल तो प्लीज देखो बेटा एक प्लेलिस्ट है सो व्हेन यू गो टू एमबीए वाला चैनल उसके अंदर जाओ प्लेलिस्ट लिस्ट में उसमें अमित सर ने ग्रामर का प्ले लिस्ट बनाया जिसमें मैंने चार सेशन अलग अलग टॉपिक्स में लिए उसमें वर्ब टेंसेस के बेसिक जरूर देख लेना ठीक है सो so, चलो साइक्लिस्ट विन्स द रेस

इट विल रेप्रेजेंट मतलब सिंपल फॉर्मेट में आएगा ठीक है जब भी सेंटेंस स्टार्ट विद एफ जब भी सेंटेंस स्टार्ट विद एफ हाइपोथेटिकल है ठीक है इफ दैट है हमेशा अगर इफ आता है उसके आगे विल प्लस वी वन आएगा ठीक है विल प्लस वी वन ठीक है वी वन मतलब के प्रेजेंटेंस ऑफ द वर्ड ठीक ठीक है, है, मतलब के क्या? Eat, sleep, play, repeat. So people, once again, बेटा इसके बेसिक्स वो वर्ब वाले टेंसेस के वीडियो को जरूर देखना सब समझ में आ जाएगा ये तो मैं आपको खाली पार्ट ऑफ दस इसमें समझा रहा हूं चलिए पीपल थोड़े बहुत और एंड विल स्टार्ट सॉल्विंग इमीजिएटली इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ये समझ पढ़ के भी कुछ तो लग रहा है सर इन द फील्ड इनोवेशन इन द फील्ड पीपल लेट्स करेक्टेड साइंटिस्ट आर एक्साइटेड अबाउट देखो साइंटिस्ट आर एक्साइटेड एंड इंटरेस्टेड साइंटिस्ट आर एक्साइटेड अबाउट एंड इंटरेस्टेड इन द इनोवेशन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर बिकॉज यू के नॉट से चलो थोड़े कंजंक्शन का भी देख लेते हैं जनरलाइज किया है आपको एग्जाम्पल दिए शुड बी गुड इनफर यू टू क्रैक पेपर ऑल दो हर्स प्रिपेर वेल फॉर दी स्टिल फील्ड ठीक है So, देखो अभी इसको सेंटेंस कैसे करें करें करेंगे ऑल्दो हर्ष हैड प्रिपेर वेल फॉर द एग्जाम येट सो बेटा ही स्टिल ठीक है ये ना बोलने में ठीक लगता है यहाँ चल जाएगा लेकिन ऐसे आप नहीं कर सकते हो ऑल्डो के साथ येट लगेगा सो कंजंक्शन ऑल्डो इज ऑलवेज फॉलोड बाई येट बेटा ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है इसको हार्ट कर लो बहुत जैसे कि बोथ के साथ हमेशा एंड लगता है You नॉट यूज एज वेल एज इसको बाय हार्ट कर लो यू cannot से बोथ राम एज वेल एज शाम आर कमिंग रॉन्ग बोथ राम एंड शाम आर कमिंग compulsory रूल ऑफ ग्रामर ठीक है सिमिलरली वेदर अगर मैं लगाऊ तो उसके साथ और लगेगा ठीक है वेदर यू विल बी हैविंग टी और कॉफी ठीक है तो ये सारे एंड ऑल्दो के साथ हमेशा येट लगेगा ये हार्ट कर लो यार सॉर्टेड है, ठीक है चलो पीपल इसी के साथ अमित सर का ज्ञान यही हुआ समाप्त लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फर्स्ट सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन बेटा इसको शांति से पढ़ो इसी वक्त कमेंट सेक्शन में जाओ इसका आंसर लगाओ अमित सर विल आंसर आपको क्या करना है अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस को बेस्ट वे से चेंज करना है करो भाई जल्दी जल्दी करो ठीक है सो पीपल लेट्स डिस्कस इस को वर्कर्स प्रेस बोथ है और बोथ के साथ एंड है तो ये ठीक है ठीक है अभी देखो को वर्कर्स ने क्या क्या प्रेस किया है हिज determination, तो हिज determination के साथ एंड यहां पे द वे ही पेड गलत 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 क्योंकि हिज determination के साथ हिज आना चाहिए हंड्रेड परसेंट हिज आना चाहिए ठीक है सो so, वापस से ही ठीक है अच्छा दिस इज ऑल्सो गुड ठीक है दे प्रेज्ड

करेक्ट करो जल्दी-जल्दी करो पीपल सुपर इजी है जल्दी-जल्दी बताओ तो ऑप्शन ए मतलब नो एरर ठीक है द आर्ट स्टूडियो इज दिस 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 एंड डैश कम ऑन तो पीपल करेक्ट आंसर जल्दी-जल्दी बताओ एब्सोल्युटली ऑसम awesome, है ना आसान दैट इज द ब्यूटी ऑफ ग्रामर वंस यू नो इट एंड इज लिट नहीं सॉरी एंड वेल इट ठीक है सॉरी सॉरी ठीक है क्योंकि क्या आपको खाली एक क्वालिटी डालनी है तो क्या है

आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से करना है पीपल आई एम टेलिंग यू दैट ठीक है नेक्स्ट सेंटेंस तो पढ़ लेना आंसर एक्सप्लेनेशन आराम से बाद में पढ़ लेना रिचर्ड इज नॉट ओनली अ टेरिफिक देखो बेटा रिचर्ड इज नॉट ओनली अ टेरिफिक पियानिस्ट बट आल्सो ग्रेट एट प्लेइंग हॉकी कम ऑन पीपल इसको बेस्ट वे से सब्स्टिट्यूट करो जल्दी करो फिर अभी को ठीक है सो पीपल इजी इनफ है वापस से ठीक है ऑप्शन uh, ए तो चला गया बिकॉज नॉट ओनली अ टेरिफिक अटेरेफिक लेकिन ऐसे तो आएगा नहीं ग्रेट एक्ट ये गलत है 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 रिचर्ड रिचर्ड अच्छा नॉट नॉट ओनली ओनली गलत गलत ग्रामेटिकली ठीक नॉट ओनली ग्रेट एट प्लेइंग हॉकी रिचर्ड ऑल्सो हे भगवान ये क्या कर रहे हो बेटा नॉट ओनली से सेंटेंस शुरू क्यों कर रहे हो लुक एट डी रिचर्ड इज नॉट ओनली अ टेरिफिक पेनिस्ट बट ऑल्सो आहाहा uh, ठीक uh, uh. है ठीक so, uh, uh, है खत्म कहानी also ग्रेट at playing हॉकी ओ oh, भाई रिचर्ड इज अ तो बेटा इसमें वर्ब फॉर्मेट भी नहीं हुआ तो करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी डेली ठीक है आप देख रहे हो वापस से हम लोगों ने क्या क्या चेक किया Uh, आपका को रिलेटिव मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो है हाँ और क्या टेरिफिक पे ग्रेट हॉकी प्लेयर सेम टू सेम सेम टू दैट्स ऑल ऑल ठीक है है सो पीपल डन डन अगला वाला कम ऑन यू आर डूइंग अ गुड जॉब पढ़ो अच्छा अभी थोड़ा लंबा सेंटेंस है मजेदार है बट बेटा कैट लेवल जैट लेवल तो करना पड़ेगा द फिलोसॉफिकल डॉक्ट्राइन ऑफ इनकमिटी पॉजिट्स एंड इनहेरिट इन रिकनसिलियबिलिटी

तो पीपल प्लीज रीड ऑल दी ऑप्शन टाइम तो नहीं दूंगा आप वीडियो को पॉज करके सोचो फिर आगे बढ़ो चलो पीपल लेट मी शो यू आंसर बहुत आसान है देखो बेटा पहली बात तो अमंग और अमंग निकल गया आपका क्यों निकल गया क्योंकि बेटा अमंग हमेशा तीन चीजों में होता है यहां पर दो चीजें हैं क्या इनकम्पैटिबिलिटी और डिटर्मिनिज्म है ठीक है दैट मीन हंड्रेड परसेंट बिटवीन होगा या तो बिटवीन होगा ठीक है अच्छा इन द डॉक्टर नहीं हो सकता है बिकॉज दोनों के बीच की बात चल रही है तो ये ऑप्शन भी निकल गया आप देख रहे हो कैसे फर्स्ट रीड में फर्स्ट थ्री फोर फाइव वर्ड में अमित सर ने तीन ऑप्शन हटा चलो अभी दो ऑप्शन ही बचे आपके बी और डी बिटवीन द डॉक्टर ऑफ बिटवीन द डॉक्टर ऑफ डिटर्मिनिज्म होल्डिंग ओए भाई अभी होल्डिंग अगर आप लिख रहे हो यानी कि देर शुड बी अ वर्ब इन आई एन जी बिफोर ठीक है इज देर अ वर्ब इन आई एन जी बिफोर नहीं सर ये तो पॉजिट्स है इट इज नॉट पॉजिटिंग सुनो सुनो सोचो सोचो नहीं है ना तो ये वर्ब कहां से आया खत्म करो और नीचे पढ़ो नीचे पढ़ो ठीक है बिटवीन द डॉक्टर ऑफ डिटर्मिनिज्म विच होल्ड्स एंड होल्ड्स इज सेम एज पॉजिट्स दिस इज द राइट आंसर खत्म खत्म पीपल यू डोंट इवन हैव टू गेट इनटू व्हाट इज इन सर व्हाट इज पॉजिट्स सर व्हाट इज डिटर्मिनिज्मिटी अरे छोड़ यार ग्रामर के रूल्स पे ध्यान दो इसको ताल से ताल मिलाओ बेटा पैरेललिज्म खाली वही है ताल से ताल मिलाओ करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी दिल्ली खत्म कहानी देखा आपने कितना आसान है

ठीक है तो इट इज द पावरफुल कंपाउंड दैट मेक्स अ दिली पेपर हॉट ठीक है आगे अ सिंगल ड्रॉप दैट हैज नो टेस्ट एंड ओडर इज ऑफ डिटेक्शन तो ये तो वापस से बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो गया इसको हटाओ अ सिंगल ड्रॉप इज डिटेक्टेबल या अचानक ये बीच में से कहा आ गया दो विदाउट टेस्ट एंड ओडर इसमें इतना घुसाने की बीच में जरूरत नहीं है आपको उसको डिस्क्राइब करते सिंगल टेस्टलेस एंड ओडरलेस ड्रॉप परफेक्ट ठीक है कैन बी डिटेक्टेड ठीक है अ सिंगल ओडरलेस टेस्टलेस ड्रॉप कैन बी डिटेक्टेड दिस इज डुकिंग गुड इनफ अच्छा लास्ट सिंगल ठीक है तो सिंगल अला गया अ चला गया ठीक है अच्छा अ चिली पेपर है तो अ सिंगल आना चाहिए तो वहां पर वो हिंट है एंड ओडरलेस ड्रॉप ठीक है So इसमें कंफ्यूजन है क्योंकि यह गलत है अगर आपका यहां पर अया है तो यहाँ पे आना ही चाहिए जो अब तो यह भी निकल गया बचा आपका आंसर ऑप्शन ठीक है सो अ चिली पेपर अ चिली पेपर में क्या क्या है अगल टेस्टलेस ओडरलेस ड्रॉप कैन भी डिटेक्टेड अच्छा डिटेक्टेड मतलब पास टेंस है ठीक है, मेक्स भी है क्योंकि तो डिटेक्टेड यू कैन नॉट है ठीक है, मैंने आपको यह भी समझा दिया है क्योंकि अगर आप इसे आर्ग्यू करो सोचो ऐसे क्यों कि सिंगल टेस्टलेस ऑर्डरलेस ऐसे ही ऐसे ही ऑर्डर में क्यों आना चाहिए तो अमित सर ने आपको वैन रूल भी दिया है कि पहले वर्ब आएगा फिर एडजेक्टिव आएगा फिर नाउन आएगा सो so डिटेक्टेड फिर डिटेक्टिबल फिर डिटेक्शन उस हिसाब से आएगा इसीलिए डिटेक्टेड का भी मैंने आपको लॉजिक बता दिया है एज कंपेयर टू डिटेक्शन पीपल जस्ट रिमेंबर दैट ठीक है चलिए अगला वाला पीपल मजा आ रहा है समझ आ रहा है ठीक है तो द रीजन ये एक प्रेमियर वीडियो है इसलिए अमित सर ऐसे स्पीड से जा रहे हैं बेटा जहां पे भी आपको कुछ नहीं समझ रहा है आई सजेस्ट यू पॉज द वीडियो गो थ्रू इट इट अगेन एंड रिपीट डोंट वरी ठीक है लेकिन कमेंट सेक्शन में एक दिल लगाओ फायर एमोजी लगाओ अगर मजा आ रहा है तो चलो पीपल अभी माय फेवरेट फॉर्मेट ऑफ द दिस थिंग जहां पे आपको पांच से, एक सेंटेंस के पांच पार्ट्स दिए हैं वो पार्ट बताओ जिसमें एरर है है ना ठीक है आइडेंटिफाई द देंटेंस दैट आर करेक्ट सॉरी सॉरी दैट आर करेक्ट मेरे ख्याल से इसमें इनकरेक्ट हमको मार्क करना है हाँ सॉरी सॉरी दैट आर इन करेक्ट इन करेक्ट पीपल ठीक है चलो करो आंसर जल्दी से बताओ पीपल लुक फॉर इवन स्मॉल स्मॉल थिंग्स लाइक स्पेलिंग मिस्टेक्स पंक्चुएशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसको थोड़ा चेंज करते हैं बेटा इसको थोड़ा चेंज करते हैं ठीक है, है? हाँ, इसको चेंज करते हैं चेंज कर रहा हूं मैं रुको 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 मेरे को भी पढ़ के रियलाइज हो रहा है डी एंड ई करेंगे तो अभी बताओ किस पार्ट में एरर है किस पार्ट में एरर है ठीक है चलो बता देते हैं क्योंकि अभी आपको बताते चल गया है ठीक है ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज ए सी डी एंड ई अभी सुन लो एरर बड़े इंटरेस्टिंग है ए इन 1849 अ पुअर बवेरियन इमिग्रेंट स्पेलिंग इज रॉन्ग इट शुड बी आई एम एम आई ठीक है लैंडेड इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया बढ़िया एट द इनविटेशन ऑफ हिज ब्रदर इन लॉ कॉमा आना चाहिए हेलो मैंने आपको बोला पंकचुएशंस वगैरह भी छोटी-छोटी चीजें -छोटी ठीक है ओनर ऑफ ड्राई गुड्स बिजनेस नहीं ओनर ऑफ अ ड्राई गुड्स बिजनेस ठीक है दिस ड्राई गुड्स बिजनेस वुड लेटर बिगेम नहीं बिग कम बिग कम दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन गलत है ऑप्शन गलत है वो बहुत ध्यान रखना एंड चारों का मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है ठीक है सो आंसर इज ए सी डी एंड ई चलिए पीपल इसी के साथ होमवर्क तो बनता है बिकॉज आई लव टू गिव होमवर्क ठीक है सो so, पीपल ये सवाल आपका हुआ होमवर्क

ट हमारे ये वी आर सी सीरीज चल रहे हैं ग्रामर होता है यहीं पर समाप्त इसके बाद आई एम गोइंग टू कम अपीशन मेकिंग के बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशिकल स्टेट ऑन दिस चैनल कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना डिड यू इंजॉय दीडियो डिड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग और आपको और कौन से कौन से वीडियो चाहिए होमवर्क जरूर करके रख देना ऑल्सो स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन सोशल मीडिया वी मीट अगेन प्लीज टेक केयर दिस इज साइनिंग ऑफ